केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नानी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच अफ्रीकी देशों से मुंबई पहुंचे 1000 यात्री, सिर्फ 100 की हुई टेस्टिंग। दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच मुंबई का एक आंकड़ा डराने वाला है। शहर में बीते 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला पाया गया है और उसके बाद कई अन्य अफ्रीकी देशों में इसका विस्तार हुआ है। ऐसे में मुंबई में करीब 1000 यात्रियों का अफ्रीकी देशों से आना चिंताओं को बढ़ाने वाला है। बीएमसी के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा कि कुल 466 लोगों की लिस्ट अब तक मिली है, जिनमें से 100 का टेस्ट किया गया है। सांसदों के निलंबन पर भारी बवाल, लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पूरा विपक्ष एकजुट है, सभी सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है, हम मजबूती से सदन में अपना पक्ष रखेंगे। देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी से ठंड का काफी असर पड़ेगा। रात से पहाड़ों पर बर्फबारी और मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के आसपास के इलाकों में व्यापक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1 और 2 दिसंबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 दिसंबर को उत्तरी कोंकणी में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। देश भर के 25,000 साधु संतों को एक जगह बुला रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक नियंत्रण पत्र को तैयार करवाने की कवायद में इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार जुटी हुई है। ये निमंत्रण पत्र देश भर के संतों को भेजा जाएगा और उनको एक जगह बुलाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर देश भर के संतों को निमंत्रण देने की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो काशी में आने के लिए 25,000 संतों को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। इस दौरान संत महात्माओं को काशी में हुए बदलाव से रूबरू भी करवाया जाएगा। बीजेपी से पहले कांग्रेस का बिगड़ेगा खेल, मिशन 2024 के लिए ममता का गेम प्लान तैयार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस का खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि टीएमसी का गेम प्लान तैयार है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को भाजपा के मुख्य खिलाफ की पार्टी के रूप में स्थापित करने की योजना को तेज कर दिया है। अब खबर झारखंड से। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ, झारखंड में कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों में पाया गया है। कम से कम 13 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए हैं। इसके बाद झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं अब सभी राज्यों को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि कोविड वायरस का नया वेरिएंट पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, कोविड का नया वेरिएंट तेजी से स्प्रेड करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि फिलहाल सभी चीजें खुल गई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। अब कॉल सेंटर में मनरेगा योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के विभागीय कॉल सेंटर में मनरेगा योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 3134242। साथ ही पंचायती राज निदेशक सह मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने 15वें वित्त आयोग से प्रखंडवार संचालित योजनाओं की अधिकारियों से जानकारी ली और सभी अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में पंचायती राज निदेशक के अधिकारियों को नियमानुसार राशि खर्च कर सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं करने के निर्देश दिए गए।
38वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप झारखंड ओवरऑल चैंपियन इंडियन राउंड में 4 गोल्ड समेत जीते 8 मेडल। 38वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। 21 से लेकर 29 नवंबर तक अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कुल 8 पदक जीते। झारखंड की टीम ने इंडियन राउंड स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया है। गुमला में नक्सलियों का उत्पात, 2 घरों पर किया हमला, 3 को पीटा, 1 बुजुर्ग को उठाकर ले गए। गुमला के चांदपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है, जिस कारण इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को भय के साए में जीना पड़ रहा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP ने चैनपुर प्रखंड कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कुटवा गांव में हमला किया। JJMP के प्लाटून कमांडर सुकरा को मारकर भागे अपने ही साथी उग्रवादी बहुरा मुंडा व गांव के ग्रामीण सुखनाथ लोहरा के घर पर JJMP ने हमला किया। द्वार पर सरकार, योजनाओं का लाभ लेने की मची होड़। शहर के वार्ड नंबर 6 के प्राथमिक विद्यालय कुमार टोली में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड पार्षद प्रीतम गाड़िया के अंत्योदय कार्ड धारियों के बीच लोहे की कड़ाही का वितरण कर किया। शिविर में लगभग 140 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन, जॉब कार्ड का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य शिविर में शुगर जांच, बीपी जांच, हीमोग्लोबिन जांच आदि लोगों को करवाया गया। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।